अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बना रहे हैं पूरी। इसके लिए हमें चाहिए 2 कप ऑल पर्पस फ्लावर, और या मैदा ले लें, और हाफ कप प्लेन फ्लावर ले लें, नीम गर्म पानी ले लें जितनी ज़रूरत हो आटा गूंदने के लिए। उसमें जाएगा 2 कप 2 टेबल स्पून योगर्ट, तेल जाएगा 2 टेबल स्पून, ऑयल, सॉल्ट 1/2 टेबल स्पून। तो इसमें ये सब चीज़ें जाएंगी, मिक्स करके इसको नीम गर्म पानी से हम गूंद लेंगे। अब हम आटा गूंद लेते हैं, सब चीज़ें मिक्स करके मैं गूंद लूँगी। फिर ऐसे मिक्स कर देते हैं अच्छे से, नमक भी डाल देते हैं। ऑयल और ये दही, ये सब चीज़ें डाल के मैं गूंद लूँगी। ये देखिए जी, मैंने इसे गूंद लिया है। ये बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है और नरम भी नहीं है, और इसे मैंने नीम गर्म पानी से गूंदा था, और इसे मैं अब 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी किसी भी गीले कपड़े से इसको छोड़ दें। ये मैंने पेड़े बना के रख लिए, और मैं बस तेल लगा के इसको बेल लूँगी और फिर फ्राई करूँगी। मैं थोड़ा सा तेल डाल लूँगी पहले। ये देखिए, मैंने इसे बेल लिया है। इसे चाहे तो हाथ से भी बड़ा कर सकते हैं। हाथ से बड़ा कर लें इसको या बेल लें। मैं क्योंकि वीडियो बना रही हूँ एक हाथ से, तो मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ। थोड़ा सा मैंने इसे बेला था, फिर अब हाथ से बड़ा कर लूँगी। देखें, अब मैं इसे तल लूँगी। देखिए, मैंने इसे डाल दिया है। मैं इसे दोनों तरफ से अच्छा सा सेक लूँगी, तल लूँगी। बस ये हमारा हो गया। मैं इसे निकाल लूँगी। निकाल के इसको इस पर रख के इसे ढक दूँगी। किसी भी कपड़े से या हॉट पॉट में रख दें। फिर ये आप थोड़ा सा तेल डालें, वो पेड़ा डाल के इसको बेल लें। इसमें खुश्की नहीं लगाएगा, खुश्की लगाने से थोड़ा सा सख्त हो जाती है। तो आप इसे ऐसे ही बेल लें और फिर इसे फ्राई कर लें। को रख के फिर इसे बंद कर दें। फिर आप यहाँ ऑयल डालें, और इसी तरह आप सारी पूरियाँ बेल लें।
बहुत ज़्यादा तेज़ आँच पे नहीं करिएगा, दरमियानी आँच है मेरे पास, बस ये हो गई है, मैं निकालूंगी। बहुत अच्छी और सॉफ्ट बनेंगी ये। बस इसे निकालना, ये देखें, ये देखें जी पूरी हमारी सारी मैंने तल ली थी, ये देखें कितनी सॉफ्ट बनी है, देखें ये देखें जी, ये देखें कितनी नरम पूरियां बनी हैं ये। और आप भी ऐसे ही बनाइएगा इसी स्टाइल में, और मुझे बताइएगा कैसा लगा। और अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।